नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी एक्ट्रेस दिव्या भटनागर का हुआ निधन। वेंटिलेटर के सहाये जिंदगी से लड़ रही थी जंग। कोरोना को लेकर अभी तक पूरी दुनिया में तांडव मचा है। हाल ही में रोजाना कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में टीवी कलाकार भी इस वायरस से जूझ रही थी। कुछ दिन पहले ही वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रही एक्ट्रेस दिव्या भटनागर का निधन हो गया है। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गुलाबो का किरदार निभाने वाली दिव्या कोरोना वायरस का शिकार हो गई थी, जिसके बाद उन्हें गोरेगांव के SRV अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। एक्ट्रेस अपने खुशमिजाज को लेकर ज़्यादा सुर्खियों में रहती थी, लेकिन इस एक्ट्रेस कोरोना से जंग हार गई। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिव्या की हालत गंभीर बताई जा रही थी। उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, जिस वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वेंटिलेटर पर कई दिन जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही दिव्या ने अब हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया है। वह 34 साल की थी और शादीशुदा थी। अचानक इस खबर से टीवी इंडस्ट्री सदमे में है। उनके जाने के सदमे में दिव्या की दोस्त और एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य जी ने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज लिखकर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, जब कोई किसी के साथ नहीं था तो बस तू ही थी दीवू, तू ही तो मेरा अपने थी, जिसे मैं डांट सकती थी, रोट सकती थी, दिल की बात कह सकती थी। मुझे पता है कि जिंदगी में तुझ पर बहुत सितम किए हैं, तू बेइंतहा दर्द में थी, लेकिन अब मुझे पता है कि तू बेहतर जगह पर है, जहाँ दुख दर्द चीटिंग झूठ जैसा कुछ नहीं है। मैं तुझे मिस करूँगी दीवू, और तू भी अपनी जानती है कि मुझे तुझ में मैं प्यार करती हूँ, और तेरी फिक्र थी मुझे, बड़ी तू थी पर बच्ची भी तू थी। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे, जहाँ भी है तू अभी बस खुश रहे। तू बहुत जल्दी चली गई दोस्त, अपना दुख व्यक्त करते हुए देवोलीना ने ये मैसेज लिखा।